अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आते होंगे। दोस्तों हम तो बखूबी जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकलना होता है, ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकलना होता है, स्क्वायर का एरिया किस तरह, या डिफरेंट जो भी मैथमेटिकल फिगर्स होते हैं उनका हम बखूबी जानते हैं कि उनका एरिया किस तरह निकलता है। लेकिन जब रियल लाइफ में हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है तब उस वक्त हम रुक पड़ जाते हैं। रियल लाइफ में कहाँ, देखिए अगर आप फील्ड में जाते हो, फील्ड में हमें समझ नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर जो फील्ड होता है उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है आपके ट्रायंगल जैसी, आपके स्क्वायर जैसी, आपके रेक्टेंगल जैसी, तो वहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम बिल्कुल उसी फील्ड का एरिया निकालना सीखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ आज के इस वीडियो। फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, मान लीजिए आपको वो फिगर्स नहीं मिल रहे हैं, यानी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। जब आप फील्ड में गए तो आपको वहाँ ये फिगर मिल रही है, आपको जो फील्ड है वो इस शक्ल जैसा है, तो इसका एरिया निकालना है। ये तो ना रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये और कोई शक्ल है, तो इसका एरिया हमें निकालना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो आज के वीडियो में हम यही प्रोसेस जानने के लिए आए हैं। देखिए हमें क्या करना होता है इसके लिए, इसको हम यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, एक फील्ड बना हुआ है यहाँ पर, ये तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डिफरेंट शेप्स में तब्दील करेंगे तो बेहतर रहता है। सबसे ज्यादा जो बेहतर रहता है वो है ट्रायंगल्स में इसको तब्दील करना, मुख्तलिफ ट्रायंगल्स इसको बनाना, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। अगर आपको इसका एक्यूरेट एरिया चाहिए तो तब जाकर आपको इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा। कभी कभार आप, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा समझाने के लिए, से ये है हमारे पास, तो मैं इस तरह इसको करूंगा यहाँ पर ये, तो फिर मैं इसको यहाँ पर ये पर्लोग्राम जैसा मानूंगा तो ये बन जाएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा एरिया में वो आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, उसमें फर्क होगी, कैलकुलेशन में फर्क होगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए मैंने कहा आपको सबसे पहले हमें इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा, ऐसे भी मैं यहां पर खींच सकता था। देखिए यहां पर ये साइड थोड़ा स्ट्रेट ही है, मान लेते हैं इसको यहां पर स्ट्रेट ही है और ये तो स्ट्रेट ही है, तो यहां से मैं इस लाइन को ड्रा करूंगा यहां तक, यहां पर मार्क से करूंगा ए बी सी। देखिए मुझे ए बी सी की जरूरत ही नहीं है, देखिए मैं आपको दूसरा तरीका देखूंगा, इसको मैं रखूंगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर या तो मैं इस तरह करूंगा, इस लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं आगे खींचू यहां तक, या यहां से मैं यहां तक और एक लाइन खींचू, दो ऑप्शन यहां पर बन रहे हैं, या मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करूं यहां तक इस तरह, या यहां से मैं इस लाइन को यहां तक कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा तो ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है, तो यहां भी एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें उसके बाद क्या करना होगा, जब हमने इसको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया, हमने इसको ट्रायंगल्स बना दिए, तो यहां पर मार्किंग हम करेंगे, यह है ट्रायंगल वन, यह है ट्रायंगल टू, यह है ट्रायंगल थ्री, अगर हम ये भी मानेंगे ट्रायंगल फोर, या इसी को हम मानेंगे ट्रायंगल टू, तभी सारा आएगा ट्रायंगल टू, ठीक है। फिर आपको साइड्स इसके नापने होंगे, से ये साइड आपको मिलता है 30 फीट, ये आपको मिलता है 10 फीट, यहां तक ये आपको मिलता है 11 फीट, ये आपको मिलता है 15 फीट, तो ये आपको मिलता है 25 फीट, तो ये आपका है से 20, ये आपका है 19। तो फिर आपको कौन सी फार्मूला यहां पर जरूरत पड़ेगी इस एरिया निकालने में, तो यहां पर हम इसको डिवाइड किया है ट्रायंगल्स में, तो इसके लिखे डिफरेंट साइड से, यहां पर है 20, यहां पर 19, यहां पर 25, यहां पर 25, 30, 10, तो फिर यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल को मानेंगे यहां पर, तो हमें फिर ये कंप्लीट होना चाहिए, ये हम इसको रखेंगे से 5 फीट, ठीक है। तो डिफरेंट साइड्स हमारे पास है, तो इसके लिए हमें जरूरत होती है हीरोनस फार्मूला,
हीरोनस फार्मूला हमारे पास होती है, तो उसकी मदद से हम एरिया निकाल पाएंगे। उसकी फार्मूला क्या है वो आपको मालूम होगा, वो है फार्मूला रूट स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। ये एस क्या है, ये ए क्या है, एस से देखिए यहां पर मैं लिखाऊंगा आपको, से मैं इसको अब मार्क ही करूंगा। ट्राइंगल टू वन है, ट्राइंगल वन, इसमें मैं आपको एस दिखाऊंगा, एस क्या आएगा आपको, सेमी पेरीमीटर। देखिए यहां पर क्या, इसका जो पेरीमीटर होता है इन तीनों साइड्स को ऐड करना है, फिर उसका जो हाफ आएगा सेमी, एस हो गया सेमी पेरीमीटर। तो यहां पर यहाँ इस ट्राइंगल फर्स्ट में एस आएगा 19 + 25 + 20 डिवाइड बाई 2, जो ये आएगा वो बनेगा यहाँ पर एस इंटू फिर ए, साइड ए, ए हो गया साइड ये वाला एक साइड, बी दूसरा साइड, सी तीसरा साइड, ठीक है। ये आपको इस तरह कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आप इजीली और एक्यूरेटली एरिया निकाल सकेंगे। जो भी आपका फील्ड होगा, जिस भी शेप का होगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा फील्ड होगा, किस भी शेप का होगा, अगर जो आपने उस फिगर को कहीं देखा नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको वो फिगर्स नहीं आएंगी, हमें खुद यहाँ पर शेप्स बनाने होते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त वहाँ पर एक चैप्टर, चैप्टर नहीं, वो एक टॉपिक आता था उसमें, फील्ड बुक, एरिया फील्ड बुक, लेकिन वहां से खुद बनी हुई थी उसमें शेप्स, डिफरेंट ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, वो वहां पर खुद बना कर देता था, वो एक ट्री जैसा बना होता था वो, उसमें वो शेप्स खुद वहां पर बना कर देता था, फिर हमें उसका एरिया निकालना होता। लेकिन यहाँ पर आपके सामने इस तरह एक होल जो आता है फील्ड, आपको एरिया निकालना होता है, तो हमें यहाँ पर खुद शेप्स इसमें बनाने होते हैं, फिर इसके साइड्स नाप लेने होते हैं, उसके बाद एरिया निकालना होता है। तो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, क्या किसके मदद से, फिर आप हीरोनस फार्मूला आपको यहाँ पर मैंने की, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस मैंने बताया आपको, जो आपको ट्रायंगल के साइड्स होंगे उनका ऐड करना होगा, उसको फिर हाफ सेमी पेरीमीटर, आप पेरीमीटर जानते हो, उसका हाफ जो होगा फिर वही, इसमें आपको फिट वैल्यूज करने हैं तो आपका एरिया आएगा। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका है और एग्जैक्ट तरीका है एरिया निकालने का। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर ही देना, साथ ही वीडियो पसंद आएगी इसे शेयर और लाइक कर ही देना। थैंक्स वेरी मच।